पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। ऐसे ख्याल क्यों आ रहे हैं? ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। इससे तो बात सुधरने के बदले बिगड़ जाएगी। मुश्किल से पुष्पा का मन बदल रहा है। नहीं नहीं, ये सॉल्यूशन नहीं है। इसे विचार भी नहीं आने चाहिए। शैतान बार बार बाहर आने की कोशिश कर रहा है। क्यों? देख रहा है? मैं देख रहा हूँ मेरे सामने जो बैठी हैं मोहल्ला समिति अध्यक्ष, वो सालों पहले पेड़ पर चढ़कर इमली तोड़कर खाने वाली बंदरिया थी। ये बात कुछ हजम नहीं हो रही। जब तो मुझे भी नहीं हो रही, लेकिन देख बैठी हूँ। कुछ महिलाएं आपसे मिलना चाहती हैं मैडम। ठीक है, भेज दीजिए। जी अभी पता नहीं क्या प्रॉब्लम लेकर आएंगी महिलाएं, हम क्या और कितना कर पाएंगे क्या पता। पुष्पा, वो महिलाएं अपनी प्रॉब्लम्स इस कुर्सी के पास लेकर आ रही हैं। ये कुर्सी बड़ी पावरफुल होती है, तुझे बस इस कुर्सी का मान रखकर उसकी मर्यादा में रहकर जितना बन पड़े करना है। मुझे ही नहीं, तू भी तो साथ है, साथ मिलकर करेंगे और जो करेंगे वो बहुत अच्छा करेंगे। देखना, हमसे जो बन पड़े जितना बन पड़े उतना करेंगे। लोगों का विश्वास बैठ जाना चाहिए कि यहाँ अपनी तकलीफ लेकर आए, मींस के उसका हल निकलेगा ही। ये हुई ना बात। अच्छा मैं क्या सोच रहा हूँ बंदरिया, तुझे इतना अच्छा पद मिला है तो क्यों ना उसका फायदा उठाए। ये जनरल प्रॉब्लम से हटकर कुछ
अलग क्यों ना किया जाए? मींस के देख, वैसे तो यहाँ पर नॉर्मली लोग अपने जनरल घरेलू प्रॉब्लम्स लेकर आते होंगे, जैसे हमारी चाल में होता है, पानी का प्रॉब्लम, मकान मालिक परेशान कर रहा है, प्लास्टर बिगड़ गया, कचरा बढ़ गया है, घरेलू झगड़े वगैरह वगैरह, उन सब का तो सोल्यूशन हम लाएंगे ही, लेकिन असल बात तो तब बनेगी ना जब हम इससे आगे बढ़कर कुछ सोचेंगे, कुछ बड़ा सोचेंगे, कुछ अलग सोचेंगे। तेरी बात में दम तो है, मींस के छोटे छोटे प्रॉब्लम तो जिंदगी भर चलते ही रहेंगे, बात तो तब बनेगी जब हम लोग कुछ हट कर करें, करें? लेकिन क्या? थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो कुछ ना कुछ तो बड़ा मिल ही जाएगा। हाँ हाँ, सोचो सोचो, हट के सोचो, बड़ा सोचो, अलग सोचो, क्योंकि तुम जितना हट के, जितना अलग और जितना अनूठा सोचोगे, मुझे उसे बर्बाद करने में उतना ही मजा आएगा। मोहल्ला समिति अध्यक्ष साहिबा, जिस कुर्सी पर तुम अभी बैठी हो ना, ये मेरी है, और मैं तुम्हें इस पर ज्यादा दिन तक बैठने नहीं दूंगी। सुनिए, नीचे से धनिया लेके आइए ने। सुना? मशीन तो पहना है। सुना क्या कहा मैंने? आपको पता है, बाजू की चाल में एक पति ने अपनी पत्नी को इतना मारा, इतना मारा। सुन रहे भाभी कॉर्पोरेटर साहब? बाजू की चाल में हर एक घर में एक मर्डर हुआ है, बोलो। अच्छा, क्या अच्छा? अरे मैं कब से बोले जा रही हूँ, आप सुन ही नहीं रहे। हाँ, क्या देख के आ रहे? अरे क्या देख रहे? जिम शॉर्ट्स, जिम टी शर्ट, जिम वाटर बॉटल, जिम मैट, जिम बैग, स्मार्ट वॉच, इतनी सारी खरीदी कर ली आपने? इरादा क्या है? ये कॉर्पोरेटर की कुर्सी छोड़ के आप वो रेसलिंग में जाने वाले हो क्या? ए सुशी, फिट रहने के लिए ये सारा सामान मंगवा रहा है बापूतरा। वो कहीं पढ़ा था कि कसरत का सामान अगर इंटरेस्टिंग हो ना, तो कसरत करने का मजा दुगना हो जाता है, इसीलिए। फिट रहना है आपको? फिट रहना है ने? हाँ भाई, कल से घर का झाड़ू पोछा आप कीजिए बस। हाँ, कसरत की कसरत हो जाएगी और काम का काम, और दो पैसे बचेंगे वो नफा माँ। क्या सुशी, किधर कसरत और किधर तेरा झाड़ू पोछा? कुछ भी। क्या कुछ भी? आज तक एक भी मोटी बाई देखी है आपने? मोटी बाई? मोटी बाई शारदा तो उषा। इतना क्या सोच रहे, देखी नहीं होगी ने? अरे ये घर का झाड़ू फट्टा करती है, बर्तन करती है, कपड़े धोती है, पैदल चल के आती है, पैदल चल के जाती है, ये सब जिम का सामान लेने से अच्छा इन लोगों से प्रेरणा लो। झाड़ू फट्टा करके फिट तो रहती है, हमसे पगार लेती है वो अलग, बोलो। झाड़ू पोछा करके आदमी फिट रहता तो इतना खर्चा करके जिम क्यों जाता? दुनिया पागल है क्या? हास तो बड़ी है? घर काम करके आदमी कितना फिट रह सकता है वो देखना है आपको। क्या घर काम करके? देखना है, चलिए करके दिखाइए। इतना इजी? हाँ, नीचे बैठिए ऐसे। अच्छा, और नीचे, और नीचे। अरे 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 अरे, बस निकल गई हवा, हो गई टाइट फीस। क्या टाइट फीस? अभी वो आदत नहीं है ना, हो जाएगा धीमे धीमे। हाँ धीमे धीमे। ऐसा स्वरा सही कहती है। क्या दादाजी हो गए आप? दादाजी? दादाजी वाड़ी, उस छोकरी को तो चाल में घुसने नहीं देगा बापोतरा, देखना। अरे इतनी छोटी लड़की से दुश्मनी कर ली आपने? दादाजी बोलती है। जाइए जाइए, धनिया लेके आइए। रहने दीजिए, नहीं होगा, धनिया लेके आइए, जाइए। मिल गया आइडिया बंदरिया। क्या? यहाँ पास में एक बालवाड़ी है, अभी तो बंद पड़ी है, वहां पर एक चाय वाला है, उसने बताया कि वहां पर बच्चे पढ़ने आते थे और कोई रिटायर्ड ऑफिसर उसे मैनेज करता था, और वो रिटायर्ड ऑफिसर का मानना था कि अगर गरीब बच्चों को शिक्षा दी जाए तो वो पढ़ लिख कर जीवन में कुछ कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो बालवाड़ी बंद क्यों हो गई? क्योंकि बच्चे वहां पर
रेगुलरली पढ़ने नहीं आते थे और कभी कभार तो सिर्फ 4-5 बच्चे ही आते थे। ऐसे में कोई कैसे मैनेज कर सकता है? हाईलोड पायलोड चढ़ाना लोड क्या हो गया लोगों को? पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।